अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज संडे है और संडे इज़ ऑल अबाउट प्रोपेगेशन। वैसे तो मैं रोज़ ही प्रोपेगेशन कर रहा होता हूँ कुछ ना कुछ। अगर आपने इंस्टाग्राम मेरा देखा हो या अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो आप जाएँ वहाँ पे और s_t_mania या stmania के ज़रिए जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पर आप मेरी डेली अपडेट्स देख सकते हैं, स्टोरीज देख सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैं रोज़ अपडेट कर रहा होता हूँ और कुछ ना कुछ स्टोरी में जो है वो लगा रहा होता हूँ। लेकिन आज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट मैं लेकर आया हूँ और वो है स्पाइडर प्लांट। और इसकी आज हमने प्रोपेगेशन करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ जो कि इसकी केयर पर थी। और वहाँ पर मैंने एक तरीका जो है वो इसका बताया था कि किस तरह से हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजीली जो है वो हम किस तरह से इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो के अंदर तमाम की तमाम सारी की सारी, और वो बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ स्पाइडर प्लांट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्लोरोफाइटम या स्पाइडर प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। मैं इसकी यहाँ पर ऊपर लिंक भी मज़ीद दे रहा हूँ, केयर की मैं इसकी ऑलरेडी जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। और अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से जो है वो हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाना है वो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके जो है वो सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो यही होती है कि इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पप्स मौजूद हैं और यहाँ से हम इनको सेपरेट करके और इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूँ तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो यहीं पर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप ये देखें, ये इनकी रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से आप इनको जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब इनको किस किस तरह से हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो दो चार तरीके हैं इसके प्रोपेगेशन के। तो देख सकते हैं इस प्लांट में काफ़ी सारे जो है वो बेबी प्लांट्स मौजूद हैं, पप्स मौजूद हैं। तो इनको मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले जो आप अगर यहाँ पर देखें तो सबकी रूट्स अवेलेबल हैं। जिनकी रूट्स मौजूद हैं कोशिश करें कि पहले उनको यूज़ करें, मतलब उनको प्रोपेगेट करें। अगर आपको मैं यहाँ दिखा सकूँ तो एक रूट यहाँ पर इसकी जो है वो अभी फ़िलहाल डेवलप हुई हुई है। तो जो यहाँ पर पप्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके रूट्स अवेलेबल हैं। तो एक जो पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह से कोई भी आप पॉट ले रहे हैं उसमें मिट्टी होनी चाहिए, आप उसके अंदर ये इस तरह से जिनकी रूट्स अवेलेबल हैं उनको इसमें लगा दें। मतलब अभी फ़िलहाल मैंने इसको सेपरेट नहीं किया, मैंने जस्ट इसके अंदर इसको लगा दिया है ताकि इस मिट्टी के अंदर इनके रूट्स डिवेलप होना शुरू हो जाएँ। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ तो ये मैंने सेपरेट नहीं किया, ये इसके साथ अभी लिंक्ड है, यहाँ पर ये इसके साथ अभी अटैच है। तो जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद, मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर लूँगा। सेम प्रोसीजर विद वाटर। अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैंने ये छोटा सा यहाँ पर कप ले लिया और इसके अंदर पानी मौजूद है, तो इसकी वाटर प्रोपेगेशन भी बिल्कुल ऐसे ही जो है वो हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, रूट्स जब डिवेलप हो जाएंगी तो उनको हमने सेपरेट कर लेना है। अच्छा, अगर इस तरह से नहीं करना तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इनकी रूट्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली सेपरेट करके और फिर हम इसको लगा के इसको वाटर के अंदर, अगर प्रोपेगेट करना है तो वाटर के अंदर करें, नहीं तो सॉइल के अंदर। तो यहाँ से मैंने ये देखें, यहाँ एक जो है वो एक जगह से मैंने इसको पकड़ के और यहाँ से दूसरे थंब के ज़रिए जो है वो मैंने इसको अटैच कर दिया। आप सीजर से भी कर सकते हैं, कटर से भी कर सकते हैं। और ये काम देखें यहाँ पर बिल्कुल आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, पॉप्स इसका मौजूद है, अच्छे से डेवलप हो रही है इसकी। तो मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो सेपरेट कर लिए हैं, आपको मैं ये लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको पॉट में यूज़ कर सकते हैं। तो एक पॉट मैंने ले लिया है, इसके अंदर मैं छोटे छोटे होल्स कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं इनको जो है वो इनकी रूट्स को अंदर जो है वो इस तरह से लगा दूँ। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजीली आप ये काम कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि ये आपको पप्स जो है वो ग्रो करके देता रहता है, आप उनको जो है वो सेपरेट करते रहें और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते रहें। तो सबसे खूबसूरती जो है वो स्पाइडर प्लांट की वो यही होती है कि यहाँ पर देखें, मैंने ये जो अभी आपको यहाँ पर मैंने इनके सेपरेट करके लगाए हैं, ये कुछ मैंने ऑलरेडी पहले से जो है वो लगाए हुए हैं और इनके जो लाइट ग्रीन कलर है वो आपको बता रहे हैं कि इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब दूसरा जो प्रोसीजर है वो है रूट डिवीजन का। तो ये मेरे पास माशाल्लाह बहुत बड़ा पॉट है, तो इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जहाँ खाली जगह है तो इस तरह से आपने अपना हाथ यहाँ पर रखना होता है ताकि जब आप इसको यहाँ पर इस तरह से जब सेपरेट करें तो ये नीचे बिल्कुल आकर लग ना जाए और आपका प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो हाथ से आपने जो है वो इसको पकड़ के रखना है। तो इस तरह से ये बिल्कुल मैंने पॉट से जो है वो निकाल लिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सॉइल बहुत अच्छे से जो है वो रूट्स के साथ जो है वो अटैच हुई भी और हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक जो है वो सेपरेट कर दिया है। तो रूट डिवीजन जो है वो बेसिकली यही है
कि हम इनके रूट्स के जरिए जो है वो इनको सेपरेट करेंगे और यहाँ से इनको दूसरे पॉट्स के अंदर शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं, अच्छा अगर मैं यहाँ पर आपको ये जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखें यहाँ पर आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे, ये एक यहाँ पर मौजूद है, एक ये मौजूद है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। तो इनको हमने सेपरेट करना है और सबको जो है वो मैंने सेपरेट करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको इसको जूम करके दिखा सकूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी रूट्स किस तरह से जो है वो मौजूद हैं। इनके भी राइजोम्स होते हैं, मतलब कि इनकी भी अंडरग्राउंड जो है वो स्टेम्स होती हैं जिससे इनको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी पूरी बहुत ही केयरफुली इसकी मिट्टी निकालनी है, क्योंकि इनके जो राइजोम्स होते हैं वो जस्ट बल्ब्स की तरह होते हैं वो, और मैं नहीं चाहता कि उनको मैं नुकसान पहुँचाऊँ और वो जो है वो ख़राब हो जाएँ। और बिल्कुल ईजीली जो है वो बिल्कुल सुकून से आपने इसकी जो है वो मिट्टी जो है वो सेपरेट करनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो ये नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर इनका यहाँ पर ये बिल्कुल जो है वो हमें दिख रहा है कि कहाँ से जो है वो किसे सेपरेट करना है। तो बिल्कुल अलग अलग प्लांट जो है वो हमें दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट है और ये इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जो है वो यहाँ पर मर्ज हुई हुई है, तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल एक एक को जो है वो सेपरेट करूँगा, और बड़ी हिम्मत और जान लगानी पड़ी है मुझे इनको सेपरेट करने में, और एहतियात भी करनी पड़ी है ताकि इनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ज़्यादा डैमेज ना हो जाए। इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अटैच हुई हैं इसके अंदर, और ये जो राइजोम्स हैं इनके ये बहुत ही टाइटली जो है वो बाउंड हुए हैं, और इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बड़े ही एहतियात से ये काम करना पड़ता है ताकि ये काम जो है वो रूट्स इसकी जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं ये इनकी जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स मौजूद हैं, राइजोम्स इनके मौजूद हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से जो है वो ईजीली हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर पॉट ले लिया है और इसके अंदर जो है यहाँ पर सॉइल मैंने ले लिया है, और सिंपल पॉटिंग सॉइल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा साइज़ है, नीचे से भी इसकी रूट्स काफ़ी बड़ी हैं, ऊपर से भी जो है वो इसके लीव्स काफ़ी बड़े हैं। तो आपने बिल्कुल इसको इस तरह से अंदर जो है वो रख देना है ताकि पूरी इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे सॉइल के नीचे आ जाएँ, ऊपर जो है वो एक्सपोज ना हो जाएँ। ऊपर से मैंने इसके जो है वो सॉइल ऐड कर दिया है, बड़ा ही सिंपल सा काम है रूट डिवीजन का। और सॉइल इसके अंदर ऐड करके इसके अंदर जो है वो हमने पानी डालना है, पानी आपको पता है फर्स्ट टाइम जो है वो हमने इसको अच्छे से पानी देना है ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से नीचे बैठ जाए। तो पूरा एक जो है वो ये प्लांट हमारा बन गया है। तो एक पॉट मौजूद था मेरे पास और उनके रूट डिवीजन से मैंने 10 पॉट जो है वो बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 पॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे हेल्दी पॉट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको मज़ीद जो है वो सेपरेट किया जा सकता है लेकिन मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मैं एक जो है वो यहाँ पर इस तरह से अच्छे और हेल्दी पॉट्स जो है वो बनाकर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही इजीली जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं, स्पाइडर प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।